अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम जी नहीं है, हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। एक काम करती हूँ, ये जूस राधिका के ऊपर गिरा देती हूँ। लेट हो जाएगा तो दिव्यम खुद नहीं जाएगा, इसी बहाने मेरा गोलू चला जाएगा। हे भगवान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी भाभी। हम आपको अपने मुन्ना का नुकसान नहीं करने देंगे। सोच लो सुजाता, अगर राधिका और दिव्यम एक साथ जाएगी तो दोनों में नजदीकियां और भी बढ़ जाएगी। जरा से मुनाफे के लिए क्या तुम उस गोलमुखी को जिंदगी भर छेड़ने के लिए तैयार हो? ज्यादा सोचो मत, मुझे मेरा काम करने दो। तुम आज की नहीं बल्कि दूर की सोचो। ये तो बंद है। राधिका, कपड़े बदल लिए तुमने? राधिका बेटा, अब राधिका। माँ। हाँ? क्या हुआ, राधिका तैयार नहीं हुई अभी तक? पता नहीं बेटा, हमसे तो कहा था कि कपड़े बदलने जा रही है। लेकिन वो तो कब की गई हुई, राधिका को नहीं लगता इतना वक्त तैयार होने में। हाँ वही तो, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। मैं हाँ। राधिका दरवाजा खोलो, लेट हो रहा है। राधिका तुम ठीक हो? राधिका, राधिका कुछ बोलो तो सही। लड़की ठीक तो है राधिका? एक काम करो, खिड़की से देखता हूँ। हाँ देखो। राधिका, राधिका उठो, देर हो रही है जाने में। राधिका, माँ कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? राधिका, राधिका उठो। मुन्ना ये तो आराम से सो रही है। ये इसे सो कैसे सकती है, हमें इतनी देर हो रही है, मेरी पर्स भी अंदर रूम में। राधिका, राधिका। सुजाता, हाँ, कहीं तुमने कोई कांड तो नहीं कर दिया? नहीं भाभी, हमने कोई कांड नहीं किया। भाभी कहीं कली ने तो कुछ नहीं किया? कली को बुआ जी ने बाहर भेजा है सब्जी लाने के लिए। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? बुलाओ बुलाओ। ये राधिका इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? इतनी देर हो रही है हमें जाने में और ये सो रही है। मुन्ना, राधिका हमेशा से ऐसी ही थी, बस तुझे ही कभी दिखा नहीं। दिव्यम बेटा, तुम तैयार हो गए ना? क्या
राधिका अभी तक सो रही है। पापा हम सब कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है, वो तैयार भी नहीं हुई है अभी तक। उसका इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी, इससे तो बेहतर है कि गोलू भैया और गली को भेज दीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा, पर गोलू तो अकेला भी जा सकता है ना? अगर गोलू अकेला जा सकता है तो फिर दिव्यम भी अकेला जा सकता है। तुम दोनों दो मिनट के लिए शांत रहोगी? ऐसे अहम मौके पर राधिका सो कैसे सकती है? अरे प्रभा दिन भर घर के काम करती है, थक गई होगी। पर बड़ी दादी सास जी, घर का सारा काम तो आजकल हम कर रहे हैं ना, पर देखिए हम तो एकदम चुस्त हैं। राधिका से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक काम करो दिव्यम, तुम अकेली चले जाओ, तुम्हारे फोन में आईडी तो होगा ना? जी पापा। जल्दी निकलो। भगवान हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? हमें तो दिव्यम जी के साथ बाहर जाना था और अभी तक हम तैयार भी नहीं हुए, कहीं दिव्यम जी हमारे बिना ना चले जाएं। मैं अकेला ही चला जाता हूँ। राधिका सॉरी 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 दिव्यम जी, हमें नहीं पता हमारी आग कैसे लग गई, हम इतनी देर तक सोते कैसे रह गए, सॉरी। राधिका तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि ये बिजनेस समिट हमारे परिवार के लिए कितना जरूरी है? हाँ राधिका, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। सॉरी दादी, हम बस 5 मिनट में तैयार होकर आते हैं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। जी तुम्हारी वजह से राधिका इतना लेट हो गए, हम इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। समझ में नहीं आ रहा है हमारी अचानक से आग कैसे लग गई, हम तो ठीक थे, अब कहीं हमारी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सॉरी सर आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते, रुकिए ये देखिए पास है हमारे पास। सर इस पास में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और अब तो प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है, तो प्लीज सर आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हम इतने वैल्यूड कस्टमर्स हैं यहाँ के। सॉरी सर यही रूल है, हम क्या कर सकते हैं, प्लीज। दिव्यम जी सॉरी। क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का राधिका, तुम्हें सॉरी बोला ना तो जाके उस गार्ड को जाके सॉरी बोल, शायद अंदर जाने दे। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना राधिका कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हारी मर्जी थी। यहाँ इतनी बेइज्जती हो गई मेरी, वो अलग, करोड़ों का नुकसान हो गया हमारा। एक मिनट, इसको काम पे रख तो लिया है लेकिन इसका चेहरा तो देख लो, हटाओ घूंघट। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8:30 बजे। क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, सब ठीक तो है? सॉरी पापा। सॉरी मतलब अरे हुआ क्या ये तो? मुन्ना क्या हुआ है? हाँ राधिका क्या हुआ है?
तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, दिव्यम ऐसे नाराज होकर अपने कमरे में गया है, बात क्या है? क्या हुआ समित, में कुछ गड़बड़ हुई क्या? मुंह में दही क्या जमा रखा है, जवाब दो। माँ जी, पापा जी, दरअसल वहाँ देर से जाने की वजह से समित के अंदर जाने ही नहीं दिया। मतलब राधिका, तुम्हारे कुंभकर्ण की नींद की वजह से हमारे बच्चे का करोड़ों का नुकसान हो गया। राधिका, अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे, आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत अहम था, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे अहम मौके पर तुम सोती कैसे रह गई? उसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद ही नहीं थी मुझे। गाती, हमें भी वही समझ में नहीं आ रहा है कि हम सो कैसे गए, हम तो तैयार होने जा रहे थे। पर माफ कीजिएगा देवर जी, पर इसमें राधिका की नहीं बल्कि आपकी गलती है। मैंने कहा था आपको गोलू को भेजने के लिए, अगर गोलू जाता तो ये सब गड़बड़ नहीं होती ना। भाभी प्लीज, आप फिर से बस तुम दोनों छुप रहो, जो होना था सो हो गया। और राधिका, दिव्यम बहुत नाराज है, जाओ उसके कमरे में और उसे मनाने की कोशिश करो। में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं ना मुझको, एकदम चुप। मेरा मूड बहुत खराब है राधिका, जाओ यहां से। और तुम्हारी शक्ल तो मुझे बिल्कुल नहीं देख रही। तुम जा रहे हो यहां से कि मैं जाऊं? मैंने तुमसे कहा जाओ। ये बेलन, पिकल जी, ये तुम्हारे काम का प्रतीक है, तुम सिर्फ यही कर सकती हो राधिका। तुमने आज जो हमारे बच्चे का इवेंट खराब किया है ना, वो उसके काम का प्रतीक है। हमारा मुन्ना काम करता है तब तुम सब लोग ऐशो आराम कर पाते हो। वो मेहनत करता है, खर्चे उठाता है, तुम सबकी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन जब भी उसे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ती है, तुम हमेशा अपनी लापरवाही, अपने आलसपन से उसका काम बिगाड़ देती हो। सॉरी माँ जी, लेकिन हमें नहीं पता हमारी आँख कैसे लग गई थी। राधिका, तुम्हें कभी कहाँ कुछ पता होता है, तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, खाना, सोना और हमारे बच्चे का काम बिगाड़ना। हमारी ही गलती है, हमारी बेवकूफी है कि हमने अपने बच्चे को तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा। तुम एक काम करो, जो तुम्हें आता है ना, तुम बस वही किया करो, जाओ जाकर के खाना बनाओ। खड़ी क्या हो, हमारा मुंह क्या देख रही हो, जाओ।
सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? आपको पता है ऐसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे हमेशा से हो। हमारा मुन्ना उस गोलमुखी से इतना नाराज है ना कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। गोलमुखी ने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया है। पास सुजाता मेरे देवरानी, लगता है सारे ग्रह नक्षत्र सब सब तुम्हारे साथ है। वरना तुम देखो ना, जो राधिका दिन में पलक तक नहीं झपकाती वो आज घोड़े तेज के सो गई। चलो अच्छा हुआ एक बहू पहले घर से जाएगी, फिर दूसरे का नंबर लगाएंगे। चलो नाचो। बहू जाएगी घर से बाहर जाएगी। वैसे बात तो भाभी ने सही कहेगी, राधिका सो कैसे गई? राधिका तो रात में भी चौकीदार की तरह चौकन्नी होकर के सोती है, फिर आज दिन में उसे नींद कैसे आ गई? ना हमने कुछ किया, ना भाभी ने कुछ किया, काली ने भी कुछ नहीं किया, फिर किसने किया, क्यों किया, कब? जाने देते हैं ना, हम आम खाएं, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? मेरा मूड बहुत खराब है राधिका, जाओ यहाँ से, और तुम्हारी शक्ल तो मुझे बिल्कुल नहीं देखती। तुम जा रहे हो यहाँ से कि मैं जाऊं? हमें सबकी नाराजगी बर्दाश्त है, लेकिन आपकी नाराजगी ज्यादा दर्द दी थी। मुझे गुस्सा करना बिल्कुल नहीं पसंद, और खास करके तुम पर राधिका, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट मौके पर सो कैसे गई। हम आपको कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि आज जो कुछ भी हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता। हम दिन में कभी नहीं सोते, आज पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। उस दिन भी भोग बनाते वक्त गैस चालू रह गई थी और सारा का सारा मेवा चल गया था, और फिर नल भी खुला रह गया था जिसकी वजह से सारे चावल बह गए। ये सब क्या हो रहा है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हुआ गलती तो हुई है हमसे, लेकिन उसके लिए आपसे कैसे माफी मांगे, कैसे मनाए आपको? सॉरी राधिका, इस बार तुमने जो गलती की है ना उसके लिए तुम्हें माफ करना आसान नहीं है। इससे पहले कि तुम आके मुझे सॉरी बोलो सो जाता हूं। ये स्मेल कहां से आ रही है? किसने रख दिया यहाँ पे? पूरे कमरे में इसकी महक फैल गई है यार। एक काम करता हूँ, दरवाजा आधा खुला ही रखता हूँ। सुजाता,
जी माँ। दिव्यम अभी तक नहीं आया, जाओ तुम बुला कर लाओ। जी माँ। कोई जरूरत नहीं है राधिका, तुम उसकी प्लेट लगाकर उसके कमरे में ले जाओ। जी बड़ी दादी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की। सुजाता, ये क्या बदतमीजी है? प्लेट वापस दो राधिका को, वो पत्नी है दिव्यम की और उसका पूरा हक बनता है उसके लिए खाना ले जाने का। बुआ जी, राधिका अगर दिव्यम की पत्नी है तो हम भी उसकी माँ है, और हम जानते हैं कि हमारा बच्चा जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता है सिवाय हमारे। हमें अपने बच्चे को खाना खिलाना आता है, हम उसे अपने हाथों से खाना खिला देंगे। अगर वो राधिका को देखेगा तो हो सकता है गुस्से में आकर के कुछ खाए नहीं और फिर पूरी रात वो भूखा रहेगा। दीदी, सुजाता ठीक बोल रही है। पता नहीं दिव्यम जी की नाराजगी कम हुई होगी या नहीं, कहीं वो हमें देखकर फिर से गुस्सा ना हो जाए। ये प्रसाद हमने पूरा नहीं पिया था क्या? यहाँ पे रख के भूल गए थे। हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। इसे पीते ही हमें नींद आ गई थी। कहीं इन्होंने चढ़ना में तो नहीं पी लिया? मतलब उसमें पक्का किसी ने कुछ मिलाया है।